हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू और आपका स्वागत है क्विजीन क्रश में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमें ना कोई ब्लेंडर, ना बीटर, ना ही कोई क्रीम और ना ही कोई चॉकलेट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं मैनुअली बिना किसी बीटर की मदद से हम कैसे स्टिफ पीक वाली एकदम फ्लफी सी टेस्टी सी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक सॉस पैन या कढ़ाई, जिसमें मैंने डाला है आधा कप दूध, और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3/4 कप आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर, जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मैदा, और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच चोको पाउडर, और 1 पिंच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और अब मैं इस पैन को रखूंगी गैस के ऊपर स्लो फ्लेम पर लगभग 1 से 2 मिनट के लिए इसे चलाते हुए। आप इसे लगातार चलाते रहें और 1 से 2 मिनट में आप देखेंगे कि हमारा जो ये मिक्सर है वो एकदम थिक हो जाएगा। बस ऐसा ही मिक्सर हमें चाहिए। आप गैस को कर दीजिएगा बंद और इस मिक्सचर को हम निकाल लेंगे एक बाउल में। और इस बाउल को मैं यहाँ पर कवर कर दूंगी क्लिंग रैप से, और 15 से 20 मिनट के लिए मैं इस बाउल को रख दूंगी फ्रिज में। और आइए अब हम लेते हैं एक बाउल में आधा कप बटर। अगर मैं माप से देखूँ तो लगभग 110 ग्राम के करीब ये बटर है। ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, आप देख सकते हैं। बस इसी तरह का टेक्स्चर हमें चाहिए। और अब हम किसी भी स्पून या स्पैचुला की सहायता से इसे बीट करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह के विस्क का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक बीटर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। 5 से 6 मिनट के तक फेंटने के बाद अब मैं इस मिक्सचर को रख दूंगी फ्रिज में 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद मैं इसे फिर से निकालूंगी और फिर से मैं इसे 5-6 मिनट के लिए बीट करूंगी। और 5 से 6 मिनट तक इसे फेंटने के बाद आप देखेंगे कि जो बटर है वो फ्लफ़ी हो जाएगा, वॉल्यूम इसका डबल हो जाएगा। बस इस तरह का ही टेक्सचर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा अब हमें इसे बीट नहीं करना है। और अब ये जो हमारा चॉकलेट का मिक्सचर है, मैं इसे निकालूंगी फ्रीज से बाहर। अच्छे से ठंडा हो गया है। 1 टेबल स्पून के करीब मैं चॉकलेट का मिक्सचर डालूंगी बटर में और अच्छे से इसे मिक्स करूंगी। और बस इसी तरह से हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून करके चॉकलेट का बैटर डालते जाएंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। देखिए, अब मैं सारा चॉकलेट का जो मिक्सचर है वो यहाँ पर डाल दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारी तैयार है बिना बीटर, बिना क्रीम और बिना चॉकलेट के एकदम स्टेबल सी फ्रॉस्टिंग। और अगर आप चाहते हैं अपनी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग का कलर थोड़ा और डार्क करना, तो आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून चोको पाउडर डाल सकते हैं। इस तरह से चॉकलेट पाउडर डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अच्छे से आप इसे करिए मिक्स और देखिए, ये थोड़े से डार्क कलर की चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनके तैयार है। यहाँ पर इस रेसिपी में मैंने ये भी बताया है आगे कि कैसे हम प्लास्टिक कोन से या जिपलॉक से भी आसानी से फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ विल्टन की 1 mm ओपन स्टार टिप का। और देखिए, इससे मैं शेप दे रही हूँ एक रोजेट की। एकदम स्टेबल से हमारे रोजेट बन रहे हैं, बिना किसी बीटर से हमने इस क्रीम को बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्रीम और ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपके पास आइसिंग बैग या पाइपिंग बैग नहीं है तो आप जिपलॉक से भी आइसिंग कर सकते हैं। देखिए, जिपलॉक के एक कोने को मैंने डाला है ग्लास के अंदर, और अब इसको मैं फिल कर रही हूँ हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से। और कॉर्नर को मैं बहुत छोटा सा कट कर दूंगी सीजर से, और साथ ही मैं इस कटे हुए पार्ट के दोनों अंदर के हिस्सों को भी सीजर से कट कर दूंगी, जिससे आइसिंग करते वक्त एक डिज़ाइन बनेगा। और देखिए किस तरह से हम जिपलॉक से भी आसानी से आइसिंग कर पा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए किस तरह से हम जिपलॉक की सहायता से भी फ्रॉस्टिंग की चेन बना सकते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हम इस तरह से एक लंबी चेन बना सकते हैं। आप किसी भी केक में इस तरह की आइसिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे रोजेट या फ्लावर हम बना सकते हैं जिपलॉक से।
फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।